ठीक है, मोहल्ले के लोग हैं या फिर दोस्त हैं जो आपका टांग खींचते हैं और कुछ बोलते हैं, तो ये वो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दानिश खान व्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश व्लॉग। सो गाइस यार, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज ना फिर से आपका भाई व्लॉग बना रहा है। जो मतलब वो एनर्जी थी ना, उस एनर्जी से नहीं बना रहा, बट आज ना भाई मैं व्लॉग करने में भाई कम्फर्टेबली फील भी नहीं कर रहा, बट फिर भी भाई आपका भाई व्लॉग बना रहा है। ठीक है, व्लॉग में बने रहो। और भाई जो आज का व्लॉग है ना भाई, नेक्स्ट लेवल व्लॉग रहने वाला है। ठीक है, सुबह सुबह आपका भाई निकल चुका है भाई। ठीक है भाई, ठंड ना भाई खतरनाक ठंड हो रही है जम्मू में। ठीक है, और आपके भाई के भाई देख रहे हो हालत क्या हो गई है भाई, ठंड की वजह से ना पूरा लाल हो गया हूँ क्योंकि सुबह सुबह निकला हूँ अभी। सो आज ना भाई आगाज़े जम्मू, मतलब काफ़ी बड़ा इवेंट होने वाला है हमारे यहाँ पे। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ट्यूशन सेंटर्स हैं जम्मू में, बट भाई जो आज वाला जो आगाज़ हो रहा है ना भाई, जिस सेंटर का भाई नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, बहुत सारे भाई लोगों को पता ही होगा PWO के बारे में। ठीक है, फिज़िक्स वाला जो है, पहले तो भाई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलती थी, बट भाई अब ना जम्मू में भी उस सेंटर का आगाज़ हो रहा है। ठीक है, सो अपने फेवरेट फैकल्टीज़ वगैरह भी आ रहे हैं। ठीक है, समार सर आ रहे हैं, पंकज सर आ रहे हैं, और भी बहुत हैं भाई, सचिन सर वगैरह। ठीक है, और उनसे मिलने का मौका भी मिल रहा है भाई ना भाई, इस ठंड में सुबह सुबह भाई अपने फेवरेट फैकल्टीज़ के साथ मिलने के लिए जा रहा है। ठीक है, सो आप भाई ब्लॉग में बने रहो। और भाई मौसम देख पा रहे हो, यहाँ का ये मौसम हो रखा है जम्मू का भाई, पूरी धुंध ही धुंध है। अभी धुंध वगैरह भी मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा, बट भाई फिर भी पकड़ा हुआ है कि आज ना भाई व्लॉग बनाना ही बनाना है, क्योंकि भाई हर कोई मेरे को बोलता है कि आप व्लॉग नहीं बना रहे। सो वही सोचा मैंने, क्यों ना आज ना बना ही लेते हैं व्लॉग। ठीक है, अच्छा सा व्लॉग, सो बने रहो व्लॉग में। आज मैं रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ भाई, चार चार पाँच पाँच भाई शर्टें पहनी हुई हैं, मतलब जैकेट वगैरह भाई इससे पहले मैंने कभी पहने ही नहीं भाई। सोच लो कि कितनी ठंड हो रखी है जम्मू में। ठीक है, मौसम ना भाई उल्टा पुल्टा ही चल रहा है, जहाँ पे ठंड होनी चाहिए वहाँ पे हो रही नहीं, और जहाँ पे नहीं होनी चाहिए भाई वहाँ पे हो रही है। अपना जो PWO सेंटर है ना भाई, जो जम्मू में आगाज़ हो रहा है आज, तो उसके लिए आपका भाई निकल चुका है। और आपके भाई ने भाई रजिस्ट्रेशन वगैरह ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, क्योंकि आपका भाई भी PWO का स्टूडेंट है, सीट वगैरह तो मैंने बुक करवा ली है पहले से ही। सो अभी मेरे को टाइम दिया था उन्होंने 10 बजे से तुझे गेट से इंटर होना है, बट भाई सर्दी की वजह से और गाड़ी नहीं मिली, पैदल ही आया हूँ, 10:30 हो चुकी है, बट अब देखते हैं भाई इंटर होने देंगे कि नहीं होने देंगे। भाई यार अभी ना हम छन्नी नरवाल वाली हाईवे पे पहुँच चुके हैं, और भाई जो स्पेसिफिक टावर है ना भाई, वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारे जम्मू का PWO। ठीक है, ये देख रहे हो भाई, ये भाई जल्दी जल्दी हाईवे क्रॉस करते हैं भाई, बहुत गाड़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है भाई, यार ये रहा हमारा PWO का सेंटर। ठीक है, छन्नी नरवाल हाईवे पे आता है। ठीक है, ये टावर आप देख रहे हो भाई। ये आपका भाई इंटर हो चुका है आपने PWO के। ठीक है, जो यहाँ पे सेंटर है ये आप देख रहे हो भाई, यहाँ पे इंटर हो चुके हैं। सो अभी भाई चलते हैं अंदर। ठीक है, पंकज सर और ये देख रहे हो भाई, ये देख लो भाई। सो चलते हैं भाई अंदर, ठंड है बहुत ही ज़्यादा, बुरा हाल हो चुका है। तो चलते हैं भाई अंदर, चल के आपको मिलते हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं 3rd फ्लोर पे। ठीक है, सो कुछ भाई बैंड्स वगैरह दिए गए हैं, ये आप देख रहे हो भाई। तो यार अटेंडेंस वगैरह हो गई है। ठीक है, अटेंडेंस वगैरह हो चुकी है। सो अभी चलते हैं ऊपर, चल के आपको मिलते हैं। अभी ना भाई यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं है, ठीक है, उतना क्लियरिटी वगैरह नहीं आएगी। ओ भाई नेक्स्ट लेवल है यार, यार अभी वेट करते हैं भाई। सीटिंग अरेंजमेंट ठीक है ना? बार बार आपको कह रहा हूँ कि मजाक नहीं, जो आपने रास्ता चुना है, अगर मजाक मजाक में चुना है तो कोई टाइम वेस्ट किए जा रहे हो अपना, नकली लोगों के साथ बिजी हो। हाय हेलो, बिजी हो क्या भाई? डबल टिक हो गया, डबल टिक हो गया, बड़े खुश हो गए, डबल टिक हो गया। एक घंटे बाद इतना आ रहा है, थोड़ा बिजी है, रात में बात करेंगे। हम बड़े खुश, हम बैठे हुए मोबाइल लेके, कब आएगा मैसेज, कब आएगा मैसेज। Eight, seven, six, four.
वाली गाड़ी बहुत अच्छी। आप सभी लोगों को थैंक यू यार, क्या किस किस को ठंड लग रही है? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगाल अभी भी इस दिन के लिए नहीं पढ़ाया था कि मैं इतना पढ़ाऊँ, इतना मंत्र पढ़ाऊँ, इतने घंटों तक पढ़ाऊँ कि जब मैं बच्चों के सामने जाऊं तो बच्चा बोले कि यार सर गुरु मैं आपको बहुत मानता हूं, या मैं एक दिन पहले किसी मेडिकल कॉलेज में बता दूं कि मैं आ रहा हूं और वहां 50 बच्चे मेरे पढ़ाए हुए मिल जाए, ये बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन इस दिन के लिए कभी नहीं पढ़ाया था, सिर्फ ना 20 दिन में नीट कैसे क्वालीफाई करें, 10 दिन में सॉरी एक्शन, ये सब मत करो यार, ये देखने में सुनने में अच्छा लगता है, तो मन बना लो करना है, फिर दूसरा कुछ थॉट आने नहीं चाहिए, मतलब एक होता है ना कि लक्ष्य आपने एकदम बना लिया कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना, मतलब बनना है, फिर पागल बन के हम तक जाना पड़ेगा तुम्हें, है ना? मोहल्ले के लोग हैं या फिर दोस्त हैं जो आपका टांग खींचते हैं और कुछ बोलते हैं, तो ये होने भी चाहिए, क्योंकि जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो पीठ थपथपाने भी यही लोग आएंगे। इंसान अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है, सबके साथ होता है। आप कोई भी सोच लो जिसको आप एडमायर करते हो, जिसको मानते हो, या कोई भी सक्सेसफुल पर्सन सोच लो, उसका संघर्ष उतना ही बड़ा होगा। आप कुछ भी सोच लो, कोई भी जो लगता है कि नहीं, लहरों को शांत देकर ये ना समझना कि समंदर में रवाने नहीं है, लहरों को शांत देकर ये ना समझना कि समंदर में रवाने नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। सो फाइनली गाइस अभी ना सेंटर को हम छोड़ रहे हैं भाई, छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा था बट भाई निकलना ही पड़ रहा है, सर हर एक बच्चे से मिल चुके हैं, सो अभी निकलते हैं भाई, जल्दी से जल्दी चलते हैं घर और बाकी की बातें ना आगे चल के आपसे करते हैं, ठीक है? क्योंकि भाई अभी सर्दी भी बहुत है यहाँ पे। यार ये देखो भाई इस मौसम में भी यहाँ पे भाई आग, देख रहे हो ये जम्मू की जो खासियत है आज का। गाइस अभी ना हम निकल रहे हैं घर के लिए, ठीक है? अभी फ्रूट चाट वगैरह वहाँ पे खाया, इवेंट वगैरह हो चुका है ख़त्म भाई, क्या आगाज था। फाइनली अभी ना भाई आ चुका हूँ सीधा रूम में भाई, ठंड इतनी है ना भाई कि भाई मतलब उस वक्त जब मैं आया ना वहाँ से हाईवे से ऊपर, तो भाई हाथ में ना 2 मिनट के ज़्यादा मतलब पकड़ने ही नहीं हो रहा था फ़ोन, यार खतरनाक ठंड पड़ रही है, ठीक है? उस वजह से भाई जितना बना पाया उतना बनाया, और ये देख रहे हो भाई पीछे देख लो भाई क्या ठंड है, ये देख लो ये ठंड दिख रही है भाई, ये खतरनाक ठंड पड़ रही है, बट फिर भी अभी मैं आया हूँ बाहर, ठीक है? छत पर आया, सोचा थोड़ी सी वीडियो जो एंडिंग मतलब थोड़ी सी बता देता हूँ क्या है, और ये देख रहे हो भाई ये सर की तरफ से दिया, ठीक है हमें, और ये ना वहाँ पे ऑलरेडी अटेंडेंस वगैरह हो गई थी हमारी, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गई थी, सीट वगैरह बुक थी, उस वजह से ना भाई जिन जिन की बुक थी उनको ना भाई देख रहे हो ये मिला है बैंड एक पहनने के लिए PW का। सो भाई मैं बोल रहा हूँ ना नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था भाई, MR सर से ना मेरा एक ड्रीम था मिलना है, अपना मतलब फेवरेट टीचर है MR सर, उनसे मिलना है मिलना है मिलना है, सो आज ना आपका भाई अपने फेवरेट टीचर से मिल गया भाई, मतलब जो हैप्पीनेस है ना भाई वो मैं आपको बता नहीं सकता भाई, नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस है, और सर ने बहुत बातें बताई भाई, अंदर का इंसान ना भाई बाहर निकल गया मेरा, ठीक है? मतलब बड़ा सर ने बताया क्या करना है कैसे ये वो, बहुत जर्नी है यार। तो चलो यार होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है? आज का जो मेरा व्लॉग था जो आपको बताना चाहता था, और जो जो भाई इंटरेस्टेड हो ना भाई अगर जम्मू में लेनी है, मेरे हिसाब से भाई जितने भी ट्यूशन सेंटर हैं कोचिंग सेंटर्स हैं भाई उन सब से बेस्ट है भाई PW का सेंटर भाई, मैं एक अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अगर कोई भी बच्चा लेना चाहता है ना एडमिशन अगर लेनी होगी तो भाई PW के सेंटर में लेना, अदरवाइज बाकी सेंटर में ना भाई टाइम पास वाली बात होगी, ठीक है? और अपने तक भाई मैं यही बोलूँगा भाई मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, कभी भी हार मत मानना, ठीक है? हर एक काम में मेहनत करते रहो। चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अगर टाइम मिला तो फिर से कोई ना कोई व्लॉग बनाएंगे, तब तक खाते रहो पीते रहो मस्त रहो मेहनत करते रहो और अपने फेवरेट टीचरों के साथ ना भाई मिलने की कोशिश करो।
बाय।